देन एम्प्लॉय, इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज डबल डी. एन एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु इज अ रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 34 ऑफ द रेलवेज एक्ट 1989, नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल ऑफिस ऑफ अ रेलवे एंड नॉट एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 और अ मास्टर सीमैन और अदर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ शिप, अ कैप्टन और अदर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अ पर्सन रिक्रूटेड एज अ ड्राइवर हेल्प देन मैकेनिक क्लीनर ऑन इन एनी अदर कैपेसिटी इन कनेक्शन विद द मोटर व्हीकल, अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर द वर्क abroad by a company, then employed in any such capacity as in specified in Schedule 2. This is the definition of the employee. Case is about the Ramaswamy versus Pongavanam. A man was employed for transport of goods from place to place. The employers were engaged in purchase and sale of oil. When the employee suffered injuries during the employment, it was held that the employers were liable to pay compensation.